सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखें और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। सर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया कल हुआ है, उससे पहले क्वेटा में एक ब्लास्ट हुआ था और कल जो हुआ है इमाम बारगाह में वो आपने देखा ही होगा। क्या कहेंगे आपके, ये क्या हमारी तरफ क्या चीज आ रही है, क्या ये तालिबान को सपोर्ट करने का नतीजा है या क्या है ये सब कुछ? और इमरान खान का कहना है हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है तो क्या एहसानुल्लाह एहसान की तरह के पकड़ेंगे और फिर छोड़ देंगे? भाई शियों का की मर्जी थी पाकिस्तान बनाना, तो बन गया, संभालिए। आपने तो खुद जिना साहब शिया सारे यूपी बिहार इधर उधर के जो भी जियाले थे मुस्लिम लीग के, उनको ज्यादा तकलीफ थी ना कि पाकिस्तान बनाएंगे, बना लिया, आप भुगतिए। जो बाकी उन्होंने बनाया था बंगाल में मुस्लिम लीग जीती थी उन्होंने भी भुगत लिया, बाकी जैसे भी करवटें आप लें, कभी मुसलमानों ने शियाओं को एज मुसलमान माना ही नहीं है। इनको अरबी में रिफादीन या कुछ इस तरह कहते हैं, यानी पीपल हु हैव रिजेक्टेड इस्लाम। और हिंदुस्तान वाहिद जगह थी जहां शिया मुसलमानों को पनाह मिलती थी, तो अब शियाओं ने हिंदुस्तान की कमर में छुरी घोंप दी और अलग से पाकिस्तान बनाया। तो वो सिर्फ नहीं है, अहमदी भी बड़े आगे आगे थे पाकिस्तान बनाने के चक्कर में, उनका भी हशर आपने देख लिया। तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पैड़े कम्मा दे पैड़े नतीजे। ये व्हेन यू डू थिंग्स आउट ऑफ स्पाइट इट विल कम टू हॉन्ट यू इन द फ्यूचर। आपकी नीयत ही गलत है, आप जिस धरती पे पैदा हुए उससे आपने बगावत की, बगावत का बिट्रे किया कि हिंदुस्तान में आप आए, सेटल डाउन हो गए, कुछ हमारे जैसे लोग, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कन्वर्ट हुए इस्लाम में, सब किसी को कोई इजाज़त नहीं, लेकिन जाते जाते हमने उसके दोनों बाजू काट दिए। और देखा, बोला देखा कैसा मजा आया, अंग्रेज का काम करके चले गए, इंडिया के टुकड़े कर दिए। तो भुग दिए, कभी इस्माइलियों को मारते हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई, कभी वो अहमदियों को जिन्होंने पूरा अंग्रेज के कहने पे जो पंजाब की सिविल सर्विस थी उसमें काम किया पाकिस्तान बनाने में, शियों ने बड़ा काम किया। सो वी आर harvesting what we planted in soil and this will not go away. लेकिन सर बीच में ये चीजें रुक गई थी काफी हद तक, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जब थी तो काफी इन्होंने कंट्रोल किया था इन चीजों के ऊपर, लेकिन एक बार फिर ये बढ़ रही है। कैसे कंट्रोल करेंगे, आपका तो बुनियादी बिलीफ है कि शिया मुसलमान नहीं होता। शिया को कत्ल करो, ये यमन में पिछले 10 साल से 5 लाख मुसलमान मर गए, ये कौन है? ये तो वही करबला की जंग चल रही है ना। 100 साल तक आपने मस्जिदों में उमय्यदों ने लानत भेजी प्रॉफिट की फैमिली को। सीरिया में 5 लाख आदमी मरा इसी चक्कर में ना। अरबी जो होते हैं वो एक किस्म का शियाइज्म में भी अगला स्टेप है कि वो कहते हैं कि वही आनी चाहिए थी हजरत अली पे। That's a different story, but people kill, Muslims kill, because हमें बहस मुबाहिसे करने की तो इजाजत ही नहीं है। तो हम कोई इशू, बच्चा भी उठाए, 5 साल का बच्चा अगर ये बात हो कि अब्बा ये what is God, वो धुनाई होती है उसकी कि होश ठिकाने आ जाते हैं उसके, मस्जिद जाता है वहां भी पिट के आता है, कुरान रट रहा है, समझ में आ नहीं रहा है, उस्तानी मार रही है, मौलवी मार रहा है, वो रट रट के चारों कल में सुना दो, वो चारों सुना देता है, ऐतल कुर्सी पढ़ो रात को, ताली बजाओ, शैतान भाग जाएगा। वो जादू मंत्री के चक्कर में वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ अ वेरी स्ट्रेंज सोसाइटी, सो दिस विल हैपन।
लेकिन फिर मुल्ला दोनों मुल्कों के एक ही जैसे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, मुल्ला माफिया जो है उनको मैंने एक ही तरह की सोच का पाया। तो है पैदा ही हिंदुस्तान की, ये बरेलवी और दियोबंदी अहले हदीस, ये यहाँ का मसला थोड़ी था। कभी सिंध में आपने सुना था या बलूचिस्तान में या सरहद के अंदर कि कौन सा, अरे यूं मार देंगे और वो कर देंगे, एहरारी निकल आए उन्होंने पकड़ के उसको मार दिया, बेलचा पार्टी वाले, ये सब दिमाग फिरा हुआ हो तो तभी आप इस किस्म की फैशिज्म में बिलीव करेंगे ना। पूरी सियासी पार्टी बेलचे लेके घूम रही है, यू नो, कोई यूनिफॉर्म बनाया हुआ है, कोई लाल कुर्ती है, कोई ये है, और पाकिस्तान बन गया। उसके बाद आपने पकड़ के जिन्ना साहब ने खुद अपना चेहरा बदल दिया एक दो दिन के अंदर, यहाँ कह गए कि जैसी तुम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, यू आर ऑल इक्वल सिटीजन, और वहां जाके तकरीरें कर रहे कि यू आर स्पेशल पीपल एंड मुस्लिम्स हैव द फ्यूचर। इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें, और कोई उनका लिखा हुआ काम नहीं है कि आप पढ़ के क्रिटिक भी कर सकें, ना उन्होंने कुछ लिखा, ना लियाकत अली खान ने लिखा, किसी ने कुछ लिखने का काम ही नहीं किया कि समझ में आए। सर सैयद से रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन सर साथ साथ ये चीजें क्या आप बढ़ती भी देख रहे हैं, जो ये अटैक्स दोबारा से शुरू हुए हैं, पहले क्वेटा और अब केपीके में, और ये यही लोग हैं, तालिबान वगैरह ही होंगे और कौन होगा, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल हो पाएगा या ये फिर उसी तरीके से हर दूसरे दिन धमाके? नहीं कंट्रोल कर सकते आप। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह आपके साथ है तो क्या कंट्रोल करना है? और अगर आपका यकीन है कि जो चीज होती है वो तो होनी है क्योंकि अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया कि ये होगा, तुम्हारी शक्लें खराब होंगी, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिलेगी जन्नत में, तुम वो गंदे से पजामा कुर्ते में और टोपी पहन के घूमो दुनिया ताकि तुम्हारा मजाक उड़ाए, ये तो तय हो चुका है। अब आप कह रहे हैं हाँ मेरा मजाक उड़ा रहे, जैसी जहाज में पड़ते हैं शक्लें बदल जाती हैं, सूट टाई हो जाता है, अजीब सा एक्सेंट होता है, वापस आते हैं फिर वही दो चाय लेके आना भाई नॉक। जो इंसान की ट्रीटमेंट मुसलमान कंट्रीज में होती है, अरे सऊदी अरबिया तक में मैंने नहीं देखा जिस तरह पाकिस्तान में चाय मंगवाई जाती है, तो देख नहीं रहा क्या खड़ा देख रहा, चाय लेके आ साहब आए, साहब बैठ जाते हैं, चाय चल रही होती है। वी आर वेरी स्ट्रेंज पीपल विथ फॉल्स बैकग्राउंड। पाक, अपने आप को पाक कहना, अरे कोई ये होता है कि पाक वो, यानी किसी ने कुछ काम ठीक किया हो तो वो पाक होगा ना, चोरी करने वाला पाक पाक कह रहा अपने आप को, अरे यार नोट संभालो ना। तो और फिर सर आगे से ही कहते हैं कि 27 रमजान को बना था इसलिए टूट नहीं सकता। तो एक साहब के साथ मैं इंटरव्यू कर रही थी, अनीक नाजी, शायद आप जानते हो, जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये तो टूट गया था थोड़े टाइम के बाद ही टूट के बांग्लादेश बन गया था, ये अभी तक वही नारे लगा रहे कि कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, मेरे पुराना एटलस निकला जो स्कूल के जमाने का था, उसमें जूनागढ़ पाकिस्तान में दिखाया रहा है, डिस्प्यूटेड एरिया, जूनागढ़ पे कब्जा कर रहे। अरे मेरे भाई जान छोड़ो, पता ही नहीं है इनको, जिन लोगों को ये नहीं पता कि जिससे दुश्मनी कर रहे हैं नाम उनसे लिया हुआ, स्थान जो है, स्थान मीन्स प्लेस, अफगान का लैंड है या कजाक की है या यू नो जो भी है, इन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान लेंगे, इनको पता ही नहीं था स्थान का मतलब क्या। सारी ये जो सेंट्रल एशियन मुल्क हैं इन्होंने संस्कृत के नाम रखे हुए और हैं एंटी हिंदू। तो जो इसको पता नहीं वर्ड कैन बी यूज्ड और नॉट, घन चक्कर कहते थे हम बचपने में, कि समझ ही नहीं पा रहा है वो कर क्या, करना क्या है, मैं कौन हूं, तू कौन है, किसी का नहीं पता। सो दे विल स्प्लिंटर मंडे इनटू वेरिंग डिग्रीज ऑफ स्टुपिडिटी। यानी इस वक्त हायरार्की पाकिस्तान में जहालत की होती है, वो एक्साइट, आपका प्राइम मिनिस्टर इज एक्साइटेड दैट ही वाज इन मॉस्को, वर्ड करे कोई वर्ड भी तो चूज करो, इधर वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाली, अरे बड़ा मजा आया भैया, वहां असली जंग वहां देखी, वीडियो के खेल रहे थे, वहां पे भी मुसलमान लड़ रहे हैं आपको पता है ना,
वहां भी जो दूसरी फौज में जो उन्होंने भेजे वहां वो चेचन भेजे, और इनकी तरफ से भी यूक्रेन के अंदर भी वो चेचन के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहे हैं। गए थे सर, ये इमरान खान गए थे, इनको तो बताना चाहिए था रशियन प्रेसिडेंट को कि जी अगर तुम्हें यूक्रेन को अपने मुल्क का हिस्सा बनाना है तो नक्शे में बना दो, हमने भी तक नक्शा पास किया था ना, कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा दिया था, हंगामा हो गया था, इंडिया वाले कह रहे ये क्या हुआ है, उनके यहाँ डिबेट में डिबेट शुरू हो गई कि ये क्या कर रहे, तो वही कर लेते बजाय जंग लड़ने के। इट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि आपकी जो इंटेलिजेंसिया है इट रिफ्यूजेस टू चैट, रिफ्यूजेस टू टॉक, चाहे वो प्रोफेसर हूँ या मुल्ला हूँ। मुल्ला भी आदमी कुछ पढ़ के ही होता है ना, तो ही काफी सारी किताबें पढ़ने वाले को इंटेलेक्चुअल कहते हैं ना, तो वो पढ़ने के बाद कुछ सर में बात समझ में ना आए ये तो तय होना चाहिए ना कि देर इज नो सच थिंग एज एन इस्लामिक कंट्री, कभी थी नहीं, कभी ना प्रॉफिट ने कहा कि कंट्री बनाओ, ना किसी खिलाफतें होती थी, जहां तक घोड़ा भागता था वहां तक आपकी खिलाफत होती थी, खत्म हो जाती थी, और तुर्की से आती थी इंडियन शहजादों की बीवियां, वो बिकती थी, फिर एक अजब सा निजाम था पाकिस्तान बनने से पहले, देयर वाज नेवर एन इस्लामिक कंट्री, ये पाकिस्तानियों को नहीं पता, बल्कि मेरे ख्याल से अगर पता चल जाए तो बड़े खुश होंगे वो, लेकिन फिर उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि पाकिस्तान तो ढाका में है, डिप्रेस हो जाते हैं, अच्छा तो ये बलोच कहाँ से आए, अरे भैया माफ कर दो तुम्हारी औकात नहीं है मुल्क की। बलोच से मुझे याद आया कि बलोच स्टूडेंट्स जो है वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कल जो जो उनका साथ दे रहा था, इवन इमाम मजारी जो शीरी मजारी हमारी मैनेजर, सबके ऊपर जो है उन्होंने जो है चार्जेस जो लगाए हैं वो गद्दारी के लगाए, यानी अगर आप उनके साथ जाएंगे उनका साथ देंगे तो आप गद्दार कहलाएंगे। बिल्कुल, आज की बात है, ये वली खान नहीं गद्दार थे, गफार खान नहीं थे, इन सब पे मुझे याद है वो अपने गवर्नर होते थे अरबाब सिकंदर खान खलील उन पे गद्दारी का इल्जाम था, गद्दारी का इल्जाम। तो मैं 1968 में मार्शल लॉ कोर्ट के अंदर नहीं 70 में गद्दारी था, सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट, सामने एक साहब थे कर्नल एनुल हक उनका नाम था, और हम केस चल रहा था और उसके अंदर चार्जेस ऐसे थे कि वाकई आज के दिन में देखो बोला यू हैव बीन चार्ज सेक्शन 32 फलाना डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स, अरे पढ़ के कहते अच्छा हम इससे मुल्क के दुश्मन है, इनडेफिनेट जो सजा थी उसमें लिखा था इनडेफिनेट पीरियड पीरियड ऑफ टाइम मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 16 फॉरएवर। अब गए काम से, वो तो याह खान ने तख्ता उलट दिया तो जेल खाली हुई थी अयूब खान के जो जेल थी, बट वी आर नॉट वी डोंट डिजर्व दैट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू रेज आर लेवल ऑफ थिंकिंग, के जिसमें कोई आपसे पीछे भाई आपके पीछे बुद्धा का स्टैचू क्यों है, ये कौन शख्स है, इसका दीन क्या था, ये सिद्धार्थ है, इस पे लोग क्यों यानी इतनी दुनिया भर में इसकी इज्जत है, कोई आपको बुद्धि नजर आएगा, वहां है थोड़ा बहुत बर्मा वर्मा में, लेकिन इट इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड रिस्पेक्ट, पाकिस्तानी को नजर आएगा प्राणों आपने रखा है फेंक नहीं दिया किसी ने आके, नहीं अभी अभी भी बड़ा इतराज करते हैं, कोई पिक्चर्स विक्चर लगाते हैं तो हाईलाइट कर देते हैं, ये देखो ये इसका मजहब है, ये ऐसे करती है कर, लेकिन सर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है जी, हाँ ये तो लॉर्ड बुद्धा इज द ट्रू पाकिस्तानी। अच्छा वो कैसे, हमारी पहाड़ों से तो निकला ये और कहां से आ गए, क्या पैराशूट से आए क्या, ये बमियान स्टैचू जो थे ये कहाँ थे, ये कोई बिहार में थे, ये तो अफगानिस्तान में, जब पहाड़ काट के आपने बुद्धा के स्टैचू बनाया, आप सोचिए कई सौ साल पहले क्या डेडिकेशन थी उन अफगानों की, बुद्धिस्ट कैसे थे जिन्होंने पहाड़ काट के लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू बनाए,
हमारे लोगों ने, अब तो हम मुसलमानों का हम तो तोड़ेंगे, बम से उड़ा दिया, जिसको किसी इस्लामिक गवर्नमेंट ने, ना गौरी ने, ना गजनी ने, ना दुनिया भर का चोर चक्का जो हमें लूटने आया, उसने कहा भाई इसको टच नहीं करना। हमने जो चोर चक्के बनाए तालिबान वालों को, उन्होंने कहा ये कहां से आ गया, इसको तोड़ो। चढ़े गए सारे पाकिस्तानी वहां, तोड़ के आए, टुकड़े टुकड़े करके आए, एंड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इनके बस में आए आरजू बीबी, ये तो जाके पिरामिड्स को फ्लैटन कर दें, बुलडोजर लेके दे वुड डिस्ट्रॉय द पिरामिड्स। सर आई स्टिल रिमेम्बर के एक बारी मेरी कुछ साल पहले की बात है, बहुत पुरानी भी नहीं, मेरी मदर और मैं मार्केट में गए थे इस्लामाबाद में, तो वहां पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे वो कहीं जा रहे थे, और माय मदर वाज मोर देन हैप्पी टू सी हिम के हमारे यहाँ अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं। वो गई, वो उनसे मिली, हाथ जोड़ के मिली, और इट वाज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब खुशी हुई। लेकिन खैर अब तो नजर नहीं आते, अब तो बेचारे सब इधर उधर छुप गए होंगे, भाग गए होंगे। बुद्धिस्ट वहां रहेगा, तो ब्लास्ट कितने तोड़े इन्होंने, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए, बस जो बॉर्डर पे जिसकी पिक्चर अच्छी आती है वो कर देते। इट्स टेरिबल। वो हमारे कौन से थे पाकिस्तान के बहुत ही वर्ल्ड फेमस सिंगर, जो लालपुर के अंदर जिस स्कूल में थे, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था ये गुरुद्वारा। वो जो सिखों को निकाल के फटाफट उसको स्कूल बना दिया। पिंडी में है सर, बहुत से पिंडी में गुरुद्वारे जहां लोग रह रहे हैं, घर है लोगों के। आपका एक है ना पिंडी के अंदर बाग सरदारा, आपको पता है वहां क्या है? देर आर टू सिख गुरुद्वारास दैट आर स्टैटिक, नोबडी लिव्स इन देम। पूरी प्रॉपर्टी जो है वो आपके हिंदुस्तान से आए हुए जो चीदा चीदा महाजिर थे उनके हाथ में है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैव विजिटेड दैट, but there is no sign of a Hindu or a Sikh anywhere. आपने जब किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ा तो एंड में तो मुसलमान ही बच जाएंगे, वो पिशावर में होंगे, आप बम मार दीजिए उन पे। 56 मरे, कुछ ऐसा ही था ना? जी, 57. Unbelievable. लेकिन सर साथ ही मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का आपको बताना चाह रही थी कि वो उनका कहना है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको पैगाम दिया है कि जी अब पाकिस्तान की तरफ ना देखना, वो लोग चले गए जो साड़ियां दिया करते थे। मैंने कहा बिल्कुल, अब तो हम कच्चे भी उतार लेते, हमारी जो हालत है अब हम कुछ नहीं छोड़ते। क्या मतलब साड़ियां दे देते थे? नवाज शरीफ साहब ने जब मोदी साहब आए थे लाहौर तो साड़ी गिफ्ट की थी उनकी मदर के लिए। अच्छा, तो शाह महमूद कुरैशी अब ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की तरफ मत देखना, पाकिस्तान में अब वो लोग चले गए जो साड़ियां गिफ्ट करते थे। मतलब वो अगर कोई अच्छा गेस्चर दिखाया, उन्होंने एक दोनों मुल्कों में टेंशन कम करने की कोशिश की, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। तो ये कह रहे हैं अब हम साड़ियां वाड़ियां देने वाले चले गए, हम नहीं है, ये पैगाम उन्होंने भारत को दिया है। तो ये शाह साहब ने ये नहीं कहा कि वो हमने पहन ली साड़ी, हमने चूड़ियां पहन ली है, लेकिन हमने वो अब तो हम सब उतार लेते हैं ना, अब जो हमारी इकोनॉमी की हालत है वो उसके बाद मियां साहब के जाने के बाद और खराब हो गई है, तो मेरे ख्याल है सब कुछ छीन लेते हैं, इसलिए कह रहे होंगे। लेकिन ये बिला वजह के अजीब अजीब स्टेटमेंट क्या पहले भी पॉलिटिशियंस देते थे? नहीं, मैंने तो नहीं सुना है। मैं नेशनल आर्मी पार्टी में था, महमूद अलक उस्मानी उस वक्त पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होते थे, लेट 60s में, मीर गौसबक बिजिंजो, प्रोफेसर मुजफ्फर मोतिया चौधरी। आई है बाय द टाइम आई वाज 18 आई हैड इंटरैक्टेड विद, दे वर एक्सट्रीमली, यानी वेदर यू वर जमात इस्लामी और नेशनल आर्मी पार्टी और इवन काउंसिल मुस्लिम लीग होती थी, द स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिशियंस वाज वन ऑफ पोलाइटनेस एंड अदब, एंड आपका अपोनेंट भी फिलोसॉफिकल होता था। मुझे याद है मेरी जमात इस्लामी वालों से काफ़ी बहस मुबहसा होता था, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी वन इन जमात हैज सम आइडियोलॉजिकल बेसिस टू सपोर्ट। मैं उनको वोट वोट नहीं देता हूँ, लेकिन वो कुछ सोच समझ के अपना प्रेजेंट करते हैं ना। ये बाकी जो लोग जो सड़क से कचरा उठा के बोले ये मेरी पार्टी,
कुछ 27-28 तो मुस्लिम लीग है पाकिस्तान में, हर एक की मुस्लिम लीग अलग होती। पहले एक होता था अयूब खान की कन्वेंशन मुस्लिम लीग होती थी और बकिया लोग काउंसिल मुस्लिम लीग में होते थे। उसके बाद आपके जो जर्नल हैं दिल्ली वाले, पता नहीं कैसे आगे पाकिस्तान में मुशर्रफ, उन्होंने अलग बनाए, किसी ने क्या बनाया। इट्स अ पीपल हु डोंट डिजर्व अ कंट्री, हु एंडेड अप विद अ कंट्री फुल ऑफ क्रुक्स हु बॉट देमसेल्व्स अ न्यूक्लियर मिसाइल, चोरी का सारा काम करा के। ये कह रहे ना सैंक्शन लगा रहे हैं रूस पे, अरे भैया 4-5 पाकिस्तानियों को ठेके पे दे देगा रूस, हवाले से सारा पैसा इधर का उधर हो जाएगा। ये अमेरिका सैंक्शन लगा रहा है बैंक पे, ये कर रहा है। अरे भैया हमने ये सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम 1940s में, हवाला सिस्टम हमारा देखो सब चला देंगे रूस के लिए। बट वी डोंट डिजर्व टू बी अ कंट्री बिकॉज वी हैव नो नोशन, हमें जहन में भी नहीं है कि कंट्री क्या होता, क्योंकि जो कंट्री था हमारा हिंदुस्तान उसको तो आपने पार्टीशन किया। ईरान को आप नहीं मानते, वो आपका दुश्मन है। अफगान एक इलाका जो था उसके अंग्रेज ने बना दिया बॉर्डर कार्ड कूट के, यू नो द ओनली कंट्री दैट केम आउट जो इज बांग्लादेश आउट ऑफ पाकिस्तान। यस श्रीलंका इज पार्ट ऑफ आप हिंदुस्तान की जो हिस्टोरिसिटी है उसमें श्रीलंका शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया, बट इंडिया इज नॉट इंसिस्टेड कि नहीं हम तो वो कब्जे में लेंगे। पीपल आर मैच्योर्ड, वी आर लाइक स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। अगर 1 रुपया ईदी का मिलता है क्योंकि अब्बा के पास पैसे नहीं है तो हम कहते हैं हमें 10 रुपये चाहिए ईदी पे, वो देखें फलाना है उसको ईदी थी मिल गया, पता है मैं अपने बचपने की बात कर रहा हूँ। बट वी डोंट थिंक we should have what we deserve, कि हमारी इनपुट से एक मुल्क में जाता है आउटपुट और उससे कॉमनवेल्थ निकलती है, वो फिर सोसाइटी में खर्च होती है ताकि होल ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री इज टू अपलिफ्ट दोज हु डू नॉट हैव पर्सनल वेल्थ। वरना एक शहजादे को कंट्री की क्या जरूरत है, ये अभी तक यही नहीं समझे। लेकिन इनको उसके साथ साथ इनको इतने सालों में मुल्क चलाना भी नहीं आया, चाहे जो भी गवर्नमेंट आई हो उसने और बेड़ा गर्क ही किया है। क्या आपके घरों में नहीं बेड़ा गर्क होता कि आंटियां कनाडा से वापस जाती हैं, मजा नहीं आ रहा है, नौकर नहीं है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन, सास को ये होता कि बहू नहीं सुन रही हमारी, बहू कहती है पता नहीं कहां से बुड्ढी को ले आए तुम घर में। We are not a unit that is functional. We are competing jealous people who lie and put up a fraudulent front. Tasbih pakad lega koi aaj. Ab nana dada ban raha hai tasbih. Ab abba ban abba hazur banne ke shauk mein. Meri umar ke mere saathiyon mein se koi siyasi active nahi hai. Sab abba hazur ban gaye. 2-3 pote nawase nawasiyan idhar udhar leke rocking chair mein baith jate. साल देखें तो 60s तक तो काफी नॉर्मल किस्म की पिक्चर्स नजर आती हैं, क्योंकि वो लोग अंग्रेज के पढ़ाए हुए थे, इंडिया के पैदा हुए हुए थे, जिसमें यू आर फार यंगर देन मी। जब हम 50s में एल्फिंसन स्ट्रीट पे कराची में जाते थे तो वहां पे जे एस डिसूजा एंड कंपनी होती थी, एक प्रिंटिंग प्रेस था यूनियन प्रेस, देयर वर मेजर बिजनेसेस एंड सिविलिटी। किसी का ज़ोरास्ट्रियन रह रहा है, गोन वहां रहते थे, चाय जो थी वो मलाबारियों के हाथ में थी बिजनेस, कहां कहां से लोग कराची में रहते थे। रोज 3 बजे सुबह सड़कें धुलती थी, उसके बाद पान की पीक से धुलने लग गई और कराची जो है वो करंची बन गया। हाँ, करंची पता नहीं बोलते हैं, I don't know करंची क्यों बोलते हैं। लेकिन देखिए इनका शहर नहीं है, ये जो आए बांके छोरे तंग कुर्ता पजामा पहन के हाथ में रोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, इनका क्या ताल्लुक सिंध से। इन्होंने कहा सिंधी कहां से आ गए, हटाओ इनको।
आते के साथ ही सिंधी जबान पे पाबंदी लगा दी कराची में। आप और हम तो सिंध में से है ना, तो ना आप बोलती हैं सिंधी ना मैं बोलता हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज टेरेबल। हमने पढ़ी जरूर है, क्लास 5 तक पढ़ी जरूर है, मगर आती क्लास 0 से भी नहीं पढ़ी। सिंधी वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड ए लैंग्वेज व्हेन आई वेंट टू स्कूल इन 1955। लेकिन सर अगर हम रशिया की बात करें तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप रशिया का, क्योंकि हर तरफ से जो है वो सैंक्शंस की बात भी हो रही है और लोग काफी नाराज हैं और काफी नुकसान भी हो रहा है, लेकिन रशिया रुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा। देखें प्यूटिन साहब ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि यू केम टू माय बॉर्डर, आई डिडंट कम टू योर बॉर्डर। रशिया ये कह रहा है कि आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बना सकते जी, उसी तरह जिस तरह आप क्यूबा में रूस के मिसाइल रखने पे आपने हमला कर दिया था 1962 की बात है, राइट? तो आपकी मर्जी, आपका बैकयार्ड तो नहीं है ना, आपका बरामदा तो नहीं लग रहा ना हमसे। हम कह रहे हैं कि ये जो करना है इनको करने दो, ये नेटो के मेंबर नहीं बन सकते। नेटो बनाया था कम्युनिज्म को डिफीट करने में, अरे उसको मार पीट खत्म करके सत्यानाश दुनिया भर में करके जंगे करके 100 मुल्कों पे इन्वेजन करके लिबिया, इराक, आपके वेनेजुएला, चिली में इलेक्टेड प्रेसिडेंट को वो भी 9/11 को हुआ था 1973 में उड़ा दिया प्रेसिडेंट को, हमें ठीक नहीं लग रहा। तो AT&T इन्वॉल्व थी, ये मेजर अमेरिकन कंपनीज जिनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, अगर आपकी फैक्ट्री बनाती है मशीन गन की गोलियां तो भाई वो तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी अगर जंगें खत्म हो गई। और अगर टैंक बनाने वाले, जेट फाइटर बनाने वाली कंपनियों के मेंबर्स ऑफ कांग्रेस और सेनेट सेनेटर्स को उन्होंने $1 मिलियन दिए हुए हैं उनकी कैंपेन में, तो कानून तो उन्हीं का चलेगा ना। लेकिन मीडिया का आप देखिए कि रूस में पैसे वाला हो तो उसे कहते हैं ओलिगार्क, यानी चोर उचक्का। अमेरिका में जो बिलियनर होता है उसका इमेज होता है बिल गेट्स, ऐसा मासूम सा, उसकी बीवी भी प्यारी, अल्लाह तलाक हो गई आपस में। ये बताइए, यहां हर कोई को प्रेजेंट किया जा रहा है रूस जैसे हर इंसान ट्रक है। अरे ओलिगार्क, ओलिगार्क क्या, वो भी तुम्हारा कैपिटलिज्म चला रहे हैं जो तुमने कहा था, तो वो पैसे बनाने लग गए। पहले जब ओलिगार्क नहीं थे तब भी तुम मार रहे थे रूस को, अब वहां जब कैपिटलिज्म आ गया तब भी तुम्हें पीड़ है कि अब पैसे कैसे हो गए इनके पास, अब उनकी किश्तियां दुनिया भर में पकड़ी जा रही, ये ठेका दे देंगे किसी पाकिस्तानी को सारा पैसा हवाले के थ्रू, नीला का नीला और पीले का पीला होके वापस आ जाएगा मॉस्को में, क्या कर लेंगे, डॉलर भर के तो ले जाते हैं पाकिस्तानी मेक्सिको का बॉर्डर पास करके, स्पेशल कैरियर सिस्टम है कैश अमेरिका में ले जाने का, वो सोमाली नीचे अर्जेंटीना जाते हैं, वहां से वो फिर नॉर्थ को चलते हैं एज रेफ्यूजीज एंड देन दे एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू द रियो ग्रैंड। और ठीक है, तो आप रूस के घर पे जाके कह रहे हैं हम यहाँ नेटो की फौजें लगाएंगे, और रूस कहेगा तो हमें पर्दे का तो इंतजाम कर दो ना प्लीज, ये ऐसे हमें शर्म आती, कोई हमें देख लेगा। अरे दे ऑल द डिमांड फॉर रशिया वॉज, मैं उनकी इन्वेजन को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, दैट इज अनदर डिक्टेटरशिप, लेकिन देयर डिमांड ऑन पेपर वॉज दैट वी डू नॉट वॉन्ट एनी further country that borders us to join NATO. आप पाकिस्तान सेंटो में था, खत्म किया ना, सीटों में भी था, खत्म हुआ, तो ये NATO क्यों बच गया भाई, वो पूछने वाला ही नहीं है। आपने न्यूक्लियर मिसाइल लगाए में, और ऐसी भी बात नहीं कि 200-300 रशियन सबमरीन्स हैं that can launch dead man switch जिसे कहते हैं, प्रोग्राम के आखिरी आदमी भी रूसी मर जाए, दोज न्यूक्स कैन बी लॉन्च्ड बिकॉज देयर इज नोबडी लेफ्ट इन कमांड।
डेड मैन स्विच का कंसेप्ट है, दे आर प्रोग्राम दैट वे। लेकिन इनको अपनी बेचनी है टैंकें। इन्होंने पिछले एक महीने में कुछ 2-3 बिलियन डॉलर के टैंक बेच दिए। जंग हो रही है, आप देखिए यूक्रेन में माल बिक रहा है लैटविया में, जर्मनी पे प्रेशर डाल के वो पाइपलाइन बंद कराइए, क्योंकि इनको अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल्स अमेरिका में वो करने हैं रिडैक्स, और कनाडा का ऑयल आउटपुट जो है वो बढ़ाना है, तो आपने ये तेल यहां से बंद करा दिया, अब यहां से खोद के टैंकर्स में जाएगा। सो इन द एंड द मोटिव ऑफ मनी इज द बेसिस ऑफ ऑल ईविल। अब मार्क्सिज्म का बड़ा बेसिक कंस्ट्रक्ट है कि वर्किंग क्लास का जितना भी माल है वो चूस के खा जाओ, वो शेयर्स में प्रॉफिट, वॉल स्ट्रीट दमादम मस्त कलंदर पैसे कमा के वो बिलियनर बन जाता है, और रूसी जो है वो ओलिगार्क बन जाता है। रूस का जुर्म यही है ना कि उसने अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिज्म एम्ब्रेस कर लिया। जब वो कम्युनिस्ट थे तब तुम्हें तकलीफ थी, कैपिटलिस्ट हो गए तब तुम्हें तकलीफ है। अमेरिका ने तो कहा हम इस सारे मामले के बीच में नहीं पड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो 22 कंट्रीज हैं उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि जी आप जरा रशिया को कंडेम करें और ये वो, तो ये भी कुछ फंसे हुए, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नहीं, ये तो यूएन के अंदर वोट हुआ है ना, जो आप देखिए कि ये पहली दफा हुआ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने एक जैसा वोट दिया हो। इट हैज नेवर हैपेंड। उन्होंने एब्सटेन किया, विच इज अ बिग थिंग के पाकिस्तान टुक दैट स्टैंड। वहां जो यूक्रेन के अंदर अफ्रीकन्स और अपने इंडियन पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट दिखाई गई पोलैंड के अंदर, इट इज शॉकिंग। एक एक पाकिस्तानी लड़के की वो देख रहा था कि ही वाज डेस्परेट टू ड्रिंक वाटर एंड व्हेन ही कॉट द बॉटल ही वाज किक्ड। ये तुम्हें किसने इजाजत दी है कालिए, तुम्हारी ये रंग ये नस्ल और तुम पानी पी रहे हो बोतल से, लेकिन हम तो यही अपने घर में करते हैं कि घर में वो साफ करने वाली का तांबे का गिलास अलग होता है ना, उसकी हिम्मत नहीं कि वो आपकी कटलरी से खाना खाए। मेरे घर में नहीं होता। आप तो वैसे ही गए काम से, आपके यहाँ तो बुद्धा बैठा हुआ पीछे। बट वी हैव ग्रोन अप लाइक दैट। एक नहीं आती थी, क्या कहते थे, मेहतरानी या काम वाली, कुछ ऐसा फ्रेज होता था, भंगी कहते थे। एक आपके शहर में रहने वाली एक औरत का काम है कि वो आके आपकी रॉ स्वेज साफ करे, एंड हम इत्मीनान से बैठे कि ये तो इसका काम है। और पंजाब साइड पे जो टॉयलेट्स होते थे वो छतों पे होते थे, ओल्ड उन टॉयलेट्स को साफ करने के लिए आपको यू हैड टू बी क्रिश्चियन एंग्लिकन, और वो पीछे से सीढ़ियों 4-4 मंजिला चढ़ के जाती थी छत पे, और परात के अंदर सारा ह्यूमन वेस्ट जो है दे वुड हैव टू ब्रिंग इट डाउन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे बिकेम नापाक। आपके जिस्म में छा था, गंध था, तो आप पाक थे। अब वो साफ करके ले गई तो वो नापाक हो गई, आप फिर पाक के पाक। So we are demented in our views of what is common humanity. कल को जाए पाकिस्तानी अस्पताल में, वो कहे मुझे सिर्फ मुसलमान का खून चाहिए A+, उसको तो एड्स का दे देना चाहिए। बोला भाई ये जा तू, एकदम पाक साफ ए नंबर का खून दे रहे हैं तुम्हें। We have committed sins against our own people. बांग्लादेश में हमने कितने लाख लोगों को मारा। अभी बलूचिस्तान में मेरे दोस्तों से मैं सुनता रहता हूँ, आई एम इन टच विद देम, इट्स सो पेनफुल। वो कहते हैं कोर्ट में लेके आओ ना हमारे बंदे को, गायब कौन हो जाता आदमी, डिसअपीयर्ड, इट्स नाउ बिकम अ लीगल टर्म, पोस्टिव इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, यू विल नेवर अपीयर इन कोर्ट, यू विल डिसअपीयर। मुल्क बनते हैं से। और जो बिल लेकर आ रहे थे वो बिल भी जो था वो उनसे कहो गया था मिनिस्टर से, वो कहती है बताइए यानी मिसिंग पर्सन्स का बिल मिसिंग हो गया। मैं आपसे बताऊं,
देयर आर पीपल हु आर ब्रिलियंट इन पाकिस्तान, लेकिन समझदार लोगों की अंजुमने नहीं होती। समझदार लोग हिम्मत हार जाते हैं कि किस किस से लड़ें। तो दैट गिव्स द वे टू द वाइल्ड एंड द विकेड टू राइज। आप कहीं महफिल में कहें यार ये $10,000 पहुंचाने अमेरिका किसी को, आपको हर महफिल में एक आदमी मिल जाएगा, अरे उसका क्या है, लंदन को कह देंगे, वो पहुंचा देगा बटन से कह के। आपका हर क्रिमिनल इश्यू जो है आपके लिविंग रूम में तय हो जाएगा। एंड योर चिल्ड्रन विल हियर अबाउट दैट एंड दे विल थिंक दिस इज द ऑर्डिनरी थिंग, दिस इज द राइट थिंग टू डू। एक साथ थे, उनकी शादी होनी थी, तो उन्होंने कहा कि बीवी वहां से ही करके लाएंगे वो, क्योंकि यहाँ जिसके साथ में रह रहा हूँ अगर उससे शादी कर ली तो वो काम पे जाएगी, काम करेगी। इज वॉज नॉट पाकिस्तानी, दिस गाय वाज एन इंडियन, वो यहाँ लड़की छोड़ छाड़ के वहां से लेके आए शर्मा ही छोटी सी एक, तो करेगी 4-5 साल सफाई धुलाई सब कुछ, उसके बाद उसको चैनल मिलेंगे नेटफ्लिक्स के अच्छे अच्छे, एंड देन यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी वी विल गो। तो इसमें वी नीड टू गेट आउट ऑफ, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है मेरा ईस्ट ऑफ ग्रीस। आप ग्रीस खत्म होता है जहालत शुरू हो जाती है, जमीन पे बैठो अदब करो, पाँव को हाथ लगाओ, सर पे हाथ दे दो, इस तरह की टोपी का मतलब ये है, ये आपको पूरे यूरोप में ये खत्म हो चुका है। रिफॉर्मेशन एनलाइटनमेंट पोप की ऐसी तैसी कर करा के सब आवाम से बैठे, वो और बात है कि उसके अविज इतने लोगों को यूरोपियन वॉर्स में डेथ हुई है कि इज नथिंग, बट इफ यू गो ईस्ट ऑफ दैट रैशनलिज्म डिसअपीयर्स। मैं एक मौलाना साहब से पूछे मस्जिद में जमीन पे क्यों बैठते हैं, यहूदी भी जमीन पे बैठते थे, फिर उनको मिली लकड़ी, लकड़ी होती थी महंगी डेजर्ट्स के अंदर, तो जब अर्बन पार्ट्स में आए यू मेड चेयर्स टू सिट। आप किसी भी चले जाइए सिनेगॉग में, हमारी तरह ही वो भी थोड़ा झूमते हैं थोड़ा ये करते, बट दे आर एबल टू सिट, क्योंकि डेजर्ट के अंदर लकड़ी होती नहीं है, तो हमारी किस्मत तो जमीन पे बैठना हो गया, ठंडे ठंडे फर्श पे बैठे होते हैं सीमेंट पे, वहां भी बैठने वाले पे को मार देते हैं 56-55 मार दिए ना। देयर इज वेरी लिटिल होप, जब तक सोच, जब तक इब्ने रुश्द को फिर नहीं पैदा किया मुसलमानों ने, दे विल स्टे एट दैट लेवल जो गजाली ने कहा था कि रूई को आग इसलिए लगती है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि ये आग लगे। एंड द अदर साइड वाज द आर्गुमेंट वाज दैट रूई को आग इसलिए लगती क्योंकि उसका बर्निंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट या कंबशन पॉइंट, वो आग जब क्रॉस करती है तो मटेरियल कैचेस फायर। ये दोनों चीजें मुस्लिम बैकग्राउंड से आई हैं मुतज़ल्लाइफ के जमाने के अंदर। तो एक set of Muslim intellectuals were thinkers and the other were worshippers. पंजाब में पंजाब कहावत गांव में कहते थे कि मक्कियों कभी चंगी खबर नहीं आती, या जहाज डूब जाता है या हाजी मर जाता। सो वी डू हज नॉट फॉर इट्स पर्पस। मैं आपको दिखाता, मेरे पास 19th सेंचुरी पेंटिंग या लगी हुई हाजियों की, कैरवान जो जाते थे, मोस्ट ऑफ देम नेवर केम बैक, बट इट वाज टू एक्सपीरियंस। जेम्स मिशनर ने लिखी किताब, चांस मिले तो आप पढ़िए, हज के ऊपर, द एक्सपीरियंस ऑफ दैट वाज दैट वी आर वन ह्यूमैनिटी। कोई एयर कंडीशन नहीं होते थे वहां होटल मक्का के अंदर उस जमाने में, लोग मोरक्को से जा रहे हैं ऊंटों पे बैठ के, और कोई आ रहा है चीन में फुजियांग जहां मुसलमान बहुत रहते हैं, सब हज करने जा रहे हैं विद वन आइडिया कि वी आर वन ह्यूमैनिटी।
अब आप जाइए वहां, कौन सा कमरा लिया बच्चा, आप ऊपर से बैठ के हद नहीं देख सकते। अरे आप क्या, हमारा तो ये है कि शॉपिंग भी करीब में है, हज भी है, ऐसा जबरदस्त। हाँ, पिक्चर्स लगाते हैं अपने होटल से, खाने काबा नजर आ रहा है कि जी यहाँ पे रह रहे हैं, सेल्फियां ले रहे होते हैं जाके। मैं बता रहा हूँ ना, इनमें से किसी को पूछो कि अच्छा कितने साल काबा को डिस्ट्रॉय करके रखा उमय्यदों ने, ये काबा जाके दे डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ काबा। उस पे मुझे आपको एक एक एक, एक जोक मुझे याद आया, जो जोक नहीं है असल में हुआ है। इमरान खान गए थे कोई उमरा वगैरह करने के लिए, तो वहां पे जो बाकी लोग घूम रहे थे ना खाने काबा के जो तवाफ कर रहे थे, वो उधर देखे वो ऐसे हाथ हिलाते हैं या ऐसे कुछ करते हैं जैसे कर, ये समझे ये बहुत फेमस है, इनको हाथ हिला रहे, इन्होंने हाथ हिला तो वो जो साथ में जो था इनके अरब जो था उसने बताया कि ये आपको हाथ नहीं ला रहे, ये उधर वो फेरे जो होते हैं ना वो कंप्लीट करते वक्त जब हजरा अस्वद के पास आप, बाय द वे काउंटर क्लॉकवाइज होता है ये, तो वो उस वक्त एक है कि आप सलाम कर रहे हैं या इशारा है या कल्चरल पार्ट है कुछ भी है, क्योंकि ये तो इस्लाम से पहले की इबादत है ना, ये तो नहीं कि हमने इजाद की है। पहले क्लॉकवाइज जाते थे, अब काउंटर क्लॉकवाइज जाते हैं। इट्स द ओनली मूवमेंट इन द इंटायर गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। लोगों को अभी तक नहीं पता चला कि ये क्लॉकवाइज जाने को उल्टा करके आपने या तो जो थे पेगन्स उनसे कहा कि भैया टू मेक अ डायरेक्ट ऑपोजिट रिएक्शन, खत्म, अब हमारा इस तरह होगा। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी तो देनी चाहिए ना, कोई पूछे। आई एम लकी कि दो तीन मौलवियों से मैंने बात की तो दे हैड नॉट थॉट अबाउट इट। मैंने कहा अल्लाह की मूवमेंट तो है ही क्लॉक वाइज, कोई चीज दुनिया में काउंटर क्लॉक वाइज है ही नहीं सिवाय वो अपने घर के पास। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट थी उसको काउंटर क्लॉकवाइज किया टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ फ्रॉम द पेगन्स, एक पॉसिबिलिटी। लेकिन ये बात करने के लिए आपको रिस्क करना पड़ेगा अपनी गर्दन, सवाल करने की इजाजत नहीं है ना, सबसे बड़ा वो है सवाल नहीं कर सकते। सवाल करें और एंगर के बगैर जवाब मिले, ये जिस दिन हो गया सब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो मौलाना साहब आए थे मैंने उनसे कहा कि 1,24,000 पैगंबर थे, आप मुझे 500 के नाम बता दें। आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन, मुझे तो नहीं पता लिखे हुए, वो भड़क गए। उसके बाद एक मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अच्छा चले नाम नहीं आते आपको नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि राम जी और महात्मा बुद्ध जो है वो भी पैगंबर हो सकते हैं क्योंकि पता ही नहीं नाम। तो कोई उन्होंने मुझे प्रॉपर जवाब नहीं दिया, आए बाएं शाएं करके वो निकल गए। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है बुतों की पूजा नहीं करनी, हाथ नहीं जोड़ने, उनसे मांगना नहीं, तो मैंने कहा कि क्योंकि इंसान ने वो खुद बनाया, तो फिर खाने काबा भी तो हमने खुद ही बनाया ना, और वो उसमें हजर अजबस जो है उसको भी तो आप जाके हाथ जोड़ते वो उस पर भी वो भड़क गए, तो इसलिए वो थोड़े इस तरह के सवाल करने की इजाजत नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं था, उनके पास कोई जवाब जी। अच्छा तो यही कहते कि हाँ मैं ये आपने सवाल अच्छा किया, मैं जरा पढ़ के देखता हूँ, ये नहीं कोई एडमिट करने के लिए तैयार ना कि मुझे कुछ चीज नहीं पता। एवरीबॉडी नोज अबाउट एवरीथिंग इन पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ा मसला। मैंने टीवी एंकर्स को भी देखा है कि वो पूरा जवाब दे के अपना नॉलेज दे के फिर कहते हैं आपके इसके बारे में क्या ख्याल है। आदमी बैठे कहता है दूर फूटे मुंह। यहाँ पे भी कनाडा में भी हो रहा है, और वैसे आई विल बी वेरी फ्रैंक कि जब से खवातीन की डोमिनेशन हुई है एज होस्ट्स, ये पप्पू टाइप के सवाल ज्यादा हो गए, सीरियस बातें खत्म होंगी, क्योंकि इट इज लेस जर्नलिज्म, मोर बीइंग कंसीडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू मॉडल और कम ऑन टीवी। नहीं,
लेकिन ये उस तरफ चले गए कि जर्नलिज्म भी हट के कहीं और चली गई है। न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में एक एडिटर होता है, वो देखता है 4-5 चेक्स होते हैं बिफोर अ स्टोरी अपीयर्स, यू नो देयर इज अ विजडम बिहाइंड इट। आपके फादर प्रूफ रीडिंग हुआ करती थी सर, प्रूफ रीडिंग मैंने खुद ने की है 10 साल पहले प्रूफ रीडर के तौर पे, अब नहीं होती है, वैसे प्रिंट कर देते कुछ भी आ जाता है लिखा हुआ। नहीं नहीं, डायरेक्ट रिपोर्टर से कहते हैं स्टोरी तुम्हारी डायरेक्ट जाएगी, तो अब फिर तो गलतियां जाएंगी ना। यू कांट लोअर योर स्टैंडर्ड जस्ट बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज, हर आदमी अपनी विजडम के थ्रू फिल्टर करता है, चाहे वो रिलीजियस नॉलेज हो, वन हैज टू एक्नॉलेज कि भाई इसको ज्यादा पता है हमसे तो उसके टेस्ट करा लेते। ये दोनों एक अजीब सा हो गया कि एवरीबॉडी नीड्स टू नो एवरीथिंग, और सवाल अगर आपने पूछ लिया तो तुम्हारी औकात क्या है। हाँ, ये सवाल पूछ लिया मुझसे, उन्होंने मुझे कहा तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारा शो भी भाड़ में जाए। Really? उल्टा मुझसे सवाल पूछने लगे कि आप बताइए कि 500 पैगंबर के, मैंने कहा मुझे तो नहीं आते, स्कॉलर तो आप है ना, मुल्ला तो आप है, आप बताइए ना पैगंबरों के, नहीं आते तुमको, किसी को नहीं आते। ये देखें, इस्लाम अगर को पूछे आपसे या मुझसे को पूछता है कि व्हाट इज इस्लाम, मैं कहता हूँ इट इज जूडाइज्म प्लांटेड ऑन अरब पेगन कल्चर। ये बड़ी सिंपल है, इट इज जूडाइज्म 2.0। उसको एक अलग माहौल में ट्राइबलिज्म से हटा के, कि यहूदी तो एक ट्राइब का लोगों का नाम है ना, उसको यूनिवर्सैलिटी देने के लिए उन वैल्यूज को, यू ब्रोक इट आउट फ्रॉम दैट एरिया ऑफ जेरूसलम एंड साइनाई एंड ब्रॉट इट डाउन जहां पे पेगनिज्म थी या क्रिश्चियंस रहते थे, एंड इट केम एज अ फोर्स ऑफ एक्चुअल लिबरेशन। अब कह रहे हैं आपका कोई बॉस नहीं है सिवाय अल्लाह के, तो बड़े इनकलाबी बात है ना, सारे मजदूर निकल आए, इनकलाब जिंदाबाद। Thank you so much sir कि आपने आज join किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। You are welcome and anytime you wish, मेरी गर्दन पे फतवे तो लगे हुए हैं, आप मुझे आगे रख दिया करें, वो तसल्ली हो जाएगी गालियां देने में। चलिए खुदा हाफिज़ सर, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ, और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।